Hello students, so welcome to this lecture of semiconductor and devices, semiconductor devices. पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने सारे 11 स्टैंडर्ड के बेसिक्स कंप्लीट किए जो हम लोगों के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में थे. अब इस लेक्चर से शुरू होता है हमारा क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिंपल रेक्टिफायर सर्किट. ओके, तो आई होप मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोगों ने पहले के सारे वीडियोस देखे होंगे, खास करके पीएन जंक्शन डायोड का, क्योंकि वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर को समझने के लिए. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 12 व्हिच इज सिंपल रेक्टिफायर सर्किट. इसका क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल रेक्टिफायर सर्किट. ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है. So first of all, we'll draw the simple rectifier circuit and then we'll explain it. Okay? तो सबसे पहले एक simple rectifier circuit में एक transformer होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में 230 volt 50 hertz ये supply है, ये AC supply है. हाँ, सबसे important चीज rectifier circuit का definition रह गया, सबसे शुरुआत उसी से करना चाहिए. रेक्टिफायर सर्किट इज दैट सर्किट विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी. एक ऐसा सर्किट जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगा, उस सर्किट को हम लोग रेक्टिफायर सर्किट कहेंगे. अ सर्किट विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी. नाउ एसी यू नो अल्टरनेटिंग करंट, ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन बार बार बदल रहा है, हम लोगों ने एक अलग चैप्टर में पढ़ा है इसको. डीसी इज डायरेक्ट करंट, जो बैटरी सेल्स हम लोगों को सप्लाई करते हैं वो होता है डीसी, कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है उसका, है ना. एसी फ्लक्चुएटिंग होता है, हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो एसी होता है. बैटरी जो होती है, मोबाइल की बैटरी जो होती है वो डीसी होती है ना. सेल्स जो होते हैं वो डीसी होते हैं, ठीक है. तो ये बेसिक सबको पता होगा, एसी पे तो पूरा चैप्टर किया हम लोगों ने. तो सबसे पहले हम लोग इसको ट्रांसफॉर्मर को फिट करते हैं. ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन वोल्टेज इंटू अनदर वोल्टेज, ठीक है. वैसे तो ये सिंबल नहीं है, बट बुक में ये दिया है तो हम लोग ध्यान रखेंगे. जनरली ये ट्रांसफॉर्मर जो होता है ना, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है. कौन सा ट्रांसफॉर्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है. फिर हम लोग इस ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट को फीड करते हैं हम लोग एक डायोड रेक्टिफायर सर्किट को. कौन सा सर्किट? डायोड रेक्टिफायर. ये डायोड रेक्टिफायर दो प्रकार के होंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे. एक होगा हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होगा फुल वेव रेक्टिफायर, हम लोग पढ़ेंगे आगे अलग अलग लेक्चर्स में. ओके, फिर ये डायोड रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, ओके, इस डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट हम लोग देंगे, इसको पॉजिटिव नेगेटिव बोलेंगे हम लोग, वो देंगे एक फिल्टर सर्किट. एक कैपेसिटर का सर्किट होता है, सिंपल कैपेसिटर का सर्किट होता है. वो उसका काम क्या है वो अलग लेक्चर में देखा जाएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है. एंड फाइनली हम लोग ये फिल्टर सर्किट का जो आउटपुट है वो एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट को देंगे हम लोग. मैं इसका सभी का काम शॉर्ट में समझा देता हूं. एंड फाइनली ये वोल्टेज रेगुलेटर का आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा लोड रेजिस्टेंस में, ठीक है. कोशिश करो ये एक ही लाइन में आना चाहिए ड्रॉ करते वक्त बोर्ड एग्जाम्स में, सही लगेगा, है ना, ठीक है. अब देखो, हर एक के नीचे हम लोगों को एक वेव डायग्राम बनाना है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के मार्क्स मिलेंगे. दो मार्क के लिए एक मार्क है, एक मार्क वेव्स, वेव डायग्राम बनाने के लिए. शॉर्ट में सबका यूज बता देता हूं. ये यूनिडायरेक्शनल एसी बनाएगा, बायडायरेक्शनल एसी से यूनिडायरेक्शनल एसी बनाएगा डायोड रेक्टिफायर. उसमें के रिपल्स जो रहेंगे, रिपल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, रिपल्स वो हटाएगा फिल्टर सर्किट, और फिल्टर सर्किट के आउटपुट को एक सेम लेवल का आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करेगा वोल्टेज रेगुलेटर. वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, एक स्ट्रेट सिंगल कॉन्स्टेंट वोल्टेज देगा वोल्टेज रेगुलेटर, जो अपन लोड रेजिस्टेंस को आउटपुट को फीड करेंगे, ठीक है. अब इसके डायग्राम्स बनाने हैं हमको, है ना. तो डायग्राम्स कैसे, देखो इसका डायग्राम ये है. एसी का आउटपुट एसी ही होता है ट्रांसफार्मर का.
अब डायोड रेक्टिफायर का जो आउटपुट रहेगा वो यूनिडायरेक्शनल एसी रहेगा। ऐसा भी हो सकता है ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, हाफ वेव का बाद में बढ़ेंगे। ठीक है, अब फिल्टर सर्किट का जो आउटपुट है वो ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसा रहेगा, ध्यान में रखना, अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और फाइनली वोल्टेज रेगुलेटर का जो आउटपुट रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा। यानी हम लोगों ने एसी से डीसी मिला लिया बाई यूजिंग अ सिंपल रेक्टिफायर सर्किट। एक सिंपल रेक्टिफायर सर्किट को यूज करके हम लोगों ने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही है हमारे बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में, तो ध्यान रखना है, इसका हर एक पॉइंट पढ़ना है। पेज नंबर 334 बोर्ड्स की बुक, राइट साइड का पैराग्राफ है, पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर के ऊपर वाला, राइट साइड में ऊपर वाला, वो पूरा पैराग्राफ लिखना है एज अ वर्किंग, इसका वर्किंग। मैंने जितनी भी चीजें समझाया ये उस पैराग्राफ में है, तो आई गेस आई होप आप लोग वो सारी चीजें लिख लोगे अच्छे से समझ के। मैंने समझा दिया है उसको, पॉइंट वाइज लिख लो, पॉइंट वाइज लिख लो। ओके, क्लियर विद दिस? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, सिंपल रेक्टिफायर सर्किट। अगले लेक्चर में हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। ओके?